हरे कृष्णा, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि दिन आपको दीपदान कैसे करना है। तो दीपदान करने की विधि बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिए हैं आक के पत्ते 5, ये देखिए, और 5 आक के पत्ते ले लिए हैं, और एक लिया मैंने तांबे का प्लेट। तो सबसे पहले हम इस पर एक स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस पे मैंने एक स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है। ये देखिए, इससे भी कर लिया है रोली से। अब हम इस पे हमारे मदार के जो पत्ते हैं इसे रख देंगे। आप 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने रखना चाहते हैं। फिर अब हम लगाएंगे इन सभी पर चंदन। देखिए, फिर चंदन लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे रोली सब पे। इस दीपदान को आप अखंड रख सकते हैं रात भर, क्योंकि ये हमारे शिवरात्रि में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप रात को नहीं जग सकते तो ये देखिए, मैंने इन पे हल्दी रोली सब कुछ लगा लिया है। इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे अक्षत। ये देखिए, थोड़े से अक्षर डाल दिए हैं। शिवरात्रि में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व होता है, इसमें रात्रि जागरण किया जाता है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इस अखंड ज्योत को जला सकते हैं, और ये अखंड ज्योत हमारे वो रहेगा हमारी तरफ से। तो देखिए, अब हम इस पे भी लगा देंगे दीपक पे चंदन। देखिए, अच्छी प्रकार से हम अपने दीपक को सजा लेंगे। और फिर अब हम इस पे लगाएंगे हम रोली। तो देखिए, हमने अपने दीपक को सजा लिया है। मैं ले लिए हैं 2 बत्ती। इन 2 बत्ती से ही हम इस अखंड ज्योत का निर्माण करेंगे। देखिए, इसे यहाँ जलाएंगे हम। इसमें डाल देंगे हम तिल का तेल, और इसको आप पूरी रात भर जलने दे सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार है वो, ये कि आप इसे पूरी रात भर जलाना चाहते हैं या फिर थोड़े देरों के लिए, या फिर रात्रि जागरण, क्योंकि इसमें रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व है। तो लोग रात्रि को उतना जाग नहीं सकते, इसलिए आप ये कर सकते। देखिए, मैंने दीपक सजा लिया है। अब हम इस दीपक को इस चावल पे रख देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये। तो अब हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारा दीपक है वो प्रज्वलित हो चुका है। अब हम इसके पास में थोड़ी सी धूप बत्ती भी जला देंगे। इस दीपक को आप शिव जी के पास जलाए, रात भर आप शिव जी के पास रख दें, और फिर सुबह जब ये दीपक बड़ा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब आप इस दीपक को हिला देंगे और इसका विसर्जन कर देंगे। तो जल्दी से हम अपने जो धूप बत्ती है उसे भी जला लेंगे। देखिए, और इसे दिखा देंगे यहीं पे। और देखिए, यहाँ पे हमारे शिव जी हैं। यहाँ पे हमने सुबह के टाइम पूजन किया था, इसके पास ही हम अपने जो दीपक है इसे यहाँ रखेंगे, और ये हमारे रुद्राक्ष का माला है जाप करने के लिए। तो देखिए, इसे यहीं रख देंगे।
ऐसे अच्छी तरह से बैठा देंगे। और ये ले लिया है धूप, ये देखिए शिव जी और पार्वती जी को भी, और यहाँ पे शिव और शिव परिवार है उन्हें भी। अब इस धूप को आप कहीं भी अच्छी प्रकार से कहीं भी रख सकते हैं। देखिए देखिए, तो धूप रख देंगे। अब हम पीले और कुछ पुष्प हम यहाँ रख देंगे। ये देखिए, और मैंने यहाँ आपके फूल ले लिए हैं, इसे भी यहीं पे अच्छी प्रकार से इन सभी फूलों को भी यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दीपदान। और एक सफेद फूल है, इसे यहाँ रख देंगे। एक पीला फूल है, इसे भी यहाँ रख देंगे। तो देखिए, जो जो हमारा दीपदान है वो हो चुका है। इसे आप शिव जी के पास रख सकते हैं, यहाँ पे साइड में, यहीं पे अच्छी प्रकार से। तो ये दीपदान होएगा इसी प्रकार से, और फिर आप इसे सुबह उठा सकते हैं। फिर तो देखिए, शिव जी के पास इस दीपदान को हम करेंगे प्लेट में, जहाँ पे हमारे भोले बाबा और माता पार्वती विराजमान है, यहीं पे। यहाँ पे मैंने अपने दीपदान को कर लिया है। इस दीपदान को आप रात भर जला सकते हैं, इस दीपक को। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।